मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो आगे हम अपने अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बात करें कि ये होता क्या है। तो जैसे कि एक एटम है, उस एटम को इलेक्ट्रॉन लेना है। तो एटम को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी, या तो वह एनर्जी देगा या लेगा, दोनों केस हो सकते हैं। तो मगर ये केस जो है वो आइसोलेटेड गैस स्टेट में है, मतलब एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में हो और वह गैस की फॉर्म में हो, तब इस सिचुएशन के और दौरान वो एनर्जी लेगा या देगा। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, या तो रिलीज की जाएगी या एब्जॉर्ब की जाएगी, व्हेन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर हम बात करें क्या क्या फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर हमारे पास पहला है साइज। अब देखें, एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियस उतनी ज्यादा दूर चला जाएगा बाहरी जो बाउंड्री है उससे, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच पाना उतना मुश्किल होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से आएगा, तो आयनाइजेशन जो सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, यानी हमें एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं वो लार्ज ने सॉरी लेस नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक ही केस में हो सकता है, वो हो सकता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड के केस में। अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, एटम जितना ज्यादा छोटा होगा, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ एट द इलेक्ट्रॉन, सो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। एटम के ऊपर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब उसके न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, तो उतना ज्यादा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। जितनी तेजी से, जितनी पावर से उसे अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। तो मतलब एन ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विच इज अ लार्ज नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ वर्ड मतलब है कि एनर्जी का निकलना, यहां अगर नेगेटिव यूज किया जाता है तो एटम एनर्जी निकालेगा, और अगर पॉजिटिव यूज किया जाता है इसका मतलब है कि एटम एनर्जी को लेगा। अब हम आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, जो उसे प्रभावित करता है। तो जैसे कि ऐसे एटम जो पहले से ही स्टेबल है, जैसे कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड पहले से ही स्टेबल है, तो ऐसे जो हमारे पास एटम है वो एनर्जी को निकालेंगे नहीं। भाई अपनी स्टेबिलिटी खोने के लिए वो क्यों एनर्जी देंगे, तो इसलिए वो एनर्जी लेकर ऐसा काम करेंगे। तो मतलब दोज एटम विच हैव हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मतलब वो एनर्जी को लेंगे, तब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। या एग्जाम्पल जैसे नोबल गैसेस हो गए हैं, नोबल गैसेस हो गए हैं जैसे नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड बनाती हैं, और जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं दोज एटम विच हैव द वन मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स द हाफ फिल्ड, यानी ऐसे एटम जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड बनने में। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे कि हेलोजन फैमिली हो गया है, और जैसे कि हमारे पास हो गया कार्बन फैमिली हो गया है। तो ऐसे जिन्हें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड बनने के लिए, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो तो कर सकते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। इसका मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल हमने दिया है हेलोजन। हेलोजन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5 होता है, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए P6 बनने में, तो इसलिए दे हैव द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे इसमें नोबल गैसेस की बात करते हैं, नोबल गैसेस में हम बात करें NH2NP6, यहां पर पी ऑर्बिटल पहले से फिल है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पहले से स्टेबल है,
पहले से स्टेबल है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रखेगा इलेक्ट्रॉन की एनथैल्पी की। आगे हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। अगर हम जनरल केस में बात करें तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है नेगेटिव में, जिसे हमने यहां दे रखा है। देखें लिथियम ये नेगेटिव है, यहां पर जाएंगे तो नेगेटिव से जीरो की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर फिर ये नेगेटिव हो गया है, फिर ये नेगेटिव हो गया है, फिर यहां पर देखें जीरो की तरफ चला गया है, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया है, और फिर यहां पर नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव हो गया है, और फिर ये जीरो की तरफ, नियोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और बेरिलियम हो गया, तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुल्ली फिल्ड हो गया, इसलिए ये क्या करते हैं पॉजिटिव की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रखते हैं। यहां दे रखा है जैसे कि बेरिलियम हैज द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू लिथियम एंड बोरोन। अगर हम लिथियम और बोरोन की बात करें तो यहां पर बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि वो NH2 कॉन्फिगरेशन बनाता है। इसमें हम बोरोन से कार्बन की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी नेगेटिव में, वजह है क्योंकि कार्बन के ऊपर जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है और उसका साइज भी छोटा है बोरोन से। आगे हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही है, इसके ऊपर ही ध्यान रखना कि यहां पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखें तो देखो प्योर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है, तो हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन के अनुसार ये पहले से ही स्टेबल होगा, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। जैसे नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन की तरफ गई, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ गए, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो रहेगी वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। जैसे नियोन के केस में हम बात करें तो नियोन हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हम बात करें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वहां पर क्या होगा। हम पी ऑर्बिटलों की बात करें तो पी ऑर्बिटलों का जो पहला मेंबर होता है, पी ऑर्बिटल्स में जो पहले पहले मेंबर कौन है, बोरोन हो गया है, बोरोन के बाद आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ इनके पहले मेंबर की बात करें तो पहले मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव दूसरे वाले की उससे ज़्यादा नेगेटिव होगी, जबकि होने क्या चाहिए थी, दूसरे वाले की होनी चाहिए थी कम नेगेटिव, डाउन द ग्रुप जाना चाहिए था डिक्रीजिंग क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, मगर दूसरे वाले के केस में ज़्यादा नेगेटिव क्यों हुई, उसकी वजह है कि जो दूसरा मेंबर होता है उसके पास में डी ऑर्बिटल होता है। जैसे दूसरे मेंबर इनकी हम बात करें, हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 3p5। तीसरे ऑर्बिटल में इसके पास डी ऑर्बिटल भी होगा क्लोरीन के पास। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सहन करना पड़ेगा, मगर क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, वजह है कि उसके पास डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल पूरे खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन के आने के लिए कई सारी जगह पड़ी है, तो इसलिए रिपल्सन वहां पर क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो एटम की एनर्जी रिपल्सन में कम यूज होगी, इसलिए वो ज्यादा एनर्जी को दे सकता है, रिलीज कर सकता है, इसलिए यहां पर एटम आसानी से ज्यादा एनर्जी को देगा जो सेकंड मेंबर होते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर में बात करें तो सल्फर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑक्सीजन के मुकाबले, और जैसे हम बात करें कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। वैसे जनरली हम देखें तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है, मगर यहां पर दूसरे मेंबर के केस में जो स्पेशल केस आया था वो मैंने आपसे डिस्कस किया है।
अब हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक एटम है, उसने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और वो नेगेटिव का बन गया है, उसने यानी उसकी हो गई वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, यानी कोई भी एलिमेंट दूसरा या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो वहां पर उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पर पॉजिटिव होगी। उसकी वजह है क्योंकि अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो वह नेगेटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज का है, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए उस रिपल्सन को हटाने के लिए हमें एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आज का हमारा यही टॉपिक था, कल हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।